गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। चलिए डाउट से शुरू करेंगे। टू रेस टू सिक्स इंटू थ्री हो जाएगा, सॉरी इंटू टू हो जाएगा, आई एम सो सॉरी, इंटू टू। तो यहाँ पे टू रेस टू सिक्स में से एट बार आ जाएगा और एक टू बचेगा, यहाँ पे एट रूट टू रह जाएगा। नेक्स्ट अंडर रूट ऑफ 162 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 81 इंटू टू विच इज थ्री रेस टू फोर, तो नाइन रूट टू बचेगा, सही है ना। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू लिखा है, तो रूट के अंदर दो बार टू आ गया ना, तो एक टू बाहर आ जाएगा वहां से भी। रानिया इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल टेक 22 इज बीन डन। नेक्स्ट 27 में डाउट एक बार देख लेते हैं। 27 में करेगा 28 रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क प्लस 1426 इज 3/4 ऑफ 2872। इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 7 जा 1 जा 32 इज 8 जा, है ना। अब ये मुझे दिख रहा है 718 कितनी बार, ये कितना लिखा है 718 इंटू थ्री। अच्छा अच्छा अच्छा, सब्ट्रैक्शन कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो 3 इंटू 718 कितना हो जाएगा 2100, एंड 2100 इंटू 30 कितना आ जाएगा 51, 2154 माइनस 1426 इज 28 स्क्वायर रूट में ये है। इज इट क्लियर? यस सर। तो इनका डिफरेंस आप कर लेना, तो डिफरेंस आप कर लोगे तो कितना आ रहा है, यहाँ से आपके पास आ रहा है 700 में और कितना आ जाएगा 728 आ रहा है, ठीक है ना, 28 रूट एक्स में। इज इट क्लियर? 28 से डिवाइड कर देना आप, तो 28 से कैसे डिवाइड होगा, 28 टू जा 56 और आ जाएगा 56 और ये हो जाएगा 168। यस, तो यहाँ पे ये बन रहा है 26, ठीक है, देख लो 26 बन रहा है। इज इट क्लियर? तो x आपके पास आ जाएगा 676, स्क्वायर कर दूंगा ना, रूट x मेरे पास 26 है, तो x कितना आ जाएगा 26 का स्क्वायर, ठीक है ना। इज इट क्लियर? यस। 29 देख लेते हैं अभी। 29 में क्या लिखा है, रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ 441 इज 0.02। ये रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ 441 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 रूट एक्स कितना आ जाएगा, 21.42 हो जाएगा, है ना। नाउ यू विल अप्रिशिएट एक्स कितना आएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764। यस यस, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 0.1764 आ जाएगा आंसर। यस यस, 29 हो गया। 30 देख लेते हैं एक बार, 30 में डाउट है, तो 30 में क्या लिखा हुआ है, 0.196। So wait, can I copy this one? Yes, yes sir, copy. Next question देखो, 0.196 upon x का square root is 0.2 दिया है, तो square root हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स अभी आपने सीखा है तो यू विल बी यूज्ड टू इट। हाफ पावर है 0.2 लिखा है, स्क्वेयरिंग का मतलब क्या है, दोनों को पावर रेज टू कर दो आप, तो ये पावर कट जाएगी इसके साथ, तो फ्रैक्शन पावर हट जाएगी। हमेशा हमारा टास्क यही रहता है, यू हैव टू
रिमूव द फ्रैक्शन पावर. आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमूव द फ्रैक्शन पावर. हाफ वी नो दैट इट इज द पावर इज हाफ. हाउ वी नो दैट? ये चीज मैंने बताया हुआ नहीं है आपको क्या? स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब जैसे स्क्वायर रूट ऑफ यस सर की पावर हाफ होता है, क्यूब रूट यस ओके यस सर यस 1/3 होता है, स्क्वायर रूट पावर हाफ होता है. अगर फोर ट्रू लिखा है एक तो एक ही पार 1/4 होता है, बताया ना मैंने आपको. यस सर. 0.2 का स्क्वायर 0.04, एक्स क्या रहेगा 0.196/0.04. कर लोगे डिवीजन, 196/40 हो जाएगा. डेसिमल्स को शिफ्ट कर देना आप, है ना. तो फ्रॉम यहाँ मेरे को आंसर दिख रहा है बिल्कुल क्या जाएगा, 4 को डिवाइड कर दिया 10 हो गया, 49 हो गया, 4.9 आ जाएगा. ठीक है ना, 30 का आंसर आ जाएगा. आंसर गलत दिया हुआ है उसमें, उसमें 0.49 दिया हुआ है. हाँ तो उसको हटा दो बेटा, 0.49 वाले को हटा दो. ठीक है ना, 4.9 आपका आंसर आ रहा है. क्या दिया हुआ है आपको अंडर रूट में, देखो ये लिखा है 1 + x/169 = 14/13. नाउ बहुत आसानी से आप कर लोगे, कैसे बताऊं मैं? देखो या तो मेथड वन करो, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लो आप. ठीक है, तो स्क्वेयरिंग से क्या होगा, 1 + x/169 = 196/169. फिर यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 169 + x/169 = 196/169. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर करके बता सकते हैं, हाँ भाई दोनों इक्वल दिख रहे हैं, ये भी इक्वल दिख रहा है ना. ये क्या बन जाएगा, 169 + x = 196, तो x कितना आ जाएगा 27. इज इट क्लियर अनिया? यस सो यहां भी आंसर गलत दिया हुआ है. आंसर गलत है 35th का? ओ सो इट्स राइट, 27 इज गिवन. ये एक बार चेक करो. No sir, sir. 35 का आंसर 1 दे रहा है. Yes, 1 is given. 1 given है, तो चेंज कर लो उसको. ठीक है ना? आप चेंज कर. ठीक है, सारे आंसर की मैं करेक्शन कर लो, मैं सारे ऊपर करेक्शन करवा दूंगा. ठीक है ना, एक बार आप मॉड्यूल में सब करेक्ट करते चलो. ठीक है, कर रहे हो ना आप लोग करेक्ट सब कुछ? यस सर. सारे क्वेश्चंस करेक्ट करो. 37 देख लेते हैं. 37 में क्या लिखा है, 2√27 − √75 + √12. ठीक है, 2√27 − √75 + √12 इज इक्वल टू व्हाट? ये किसके बराबर होगा? तो √27 को 9 × 3 लिख सकते हो, तो 6√3 हो जाएगा. 75 को 5√3 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, रूट ऑफ 12 को 2√3. ये सबको पता चल रहा है? यस सर. तो 6 एप्पल्स? नो सर. देखो बेटा रूट 75 5√6 आई एम शोइंग यू 5√6 raised to 3 नहीं, 2 में से 5 बार आ जाएगा, तो 5√3 बचेगा. सिमिलरली 2√27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√27 = 3 × 3 × 3, 2 में से 3 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 6√3. यस यस. अब 6 एप्पल्स, 2 एप्पल्स माइनस 3 एप्पल, तो कितने एप्पल हो गए, 3 एप्पल हो गए, तो आंसर इज 3√3. यस यस. 40 देख लेते हैं. 40 में क्या लिखा है, 40 में लिखा है 3√5 + √125 = 17.88. अच्छा, तो 3√5, √25 को क्या लिख सकते हैं, 5 क्यूब, 5√5,
17.88 8 root 5 लिखा है 17.88 हमें क्या करना है find the what will be the value of root of 80 plus 6 root 5 root 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 root 5 लिख सकता हूँ कैसे देखो root of 80 को मैंने लिखा 16 into 5 16 में से 4 बाहर आ जाएगा तो 10 root 5 हो जाएगा अब मुझे पता है 8 root 5 कितना है 17.88 तो root 5 कितना आ जाएगा 17. I didn't understood हाँ से नहीं पता चला था सर आपने root 180 लिखा ना वहाँ से root 80 80 not 180 80 sir how but why you wrote it 180 also अरे question दिया हुआ ना find out the value of root 80 plus 6 root 5 yes sir वैल्यू ढूंढनी है तो लिखना पड़ेगा ना रूट 80 की वैल्यू ढूंढनी है प्लस 6 रूट 5 की तो रूट 80 को क्या लिख सकते हैं 16 इनटू 5 16 में से 4 बार आ जाएगा स्क्वायर रूट के तो 4 रूट 5 प्लस 6 रूट 5 बन गया 10 रूट 5 अब रूट 5 की वैल्यू क्या है 17.88 बाय 8 तो लिख दो 10 इनटू 17.88 बाय 8 तो आंसर आ जाएगा 178.8 बाय 8 कर लोगे ना ये निकाल लोगे डिवीजन से देखो 21 तो बहुत दूर हो जाएगा 20 और दूर 13 तो और दूर तो आपके नजदीक का नजदीक आंसर कौन सा आ रहा है 22.36 आ रहा है Yes, sir. एग्जामिनेशन में छोड़ मत देना मार्क कर लेना ठीक है ना ओके सर 41 देख लेते हैं 41 क्वेश्चन में क्या दिया है रूट ऑफ 2 की वैल्यू दी है आपको 1.414 ठीक है ना आपको निकालना है रूट 8 प्लस 2 रूट 32 माइनस 3 रूट 128 प्लस 4 रूट ऑफ 50 ठीक है अब सबको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ नाजरा बताओ चलो रूट 8 को क्या लिख सकते हैं टू रूट 32 को क्या लिख सकते हैं रूट 2 हो जाएगा रूट 128 को क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ 128 कैन बी रिटन एज 64 इंटू मतलब 8 रूट 2 लिख सकता हूँ 8 हो जाएगा 8 नंबर 3 इज आल्सो गिवन नो सर यस सर 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस 24 रूट 2 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 2 तो क्या 5 बार आ जाएगा तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 रूट 2 हो जाएगा 20 apples plus 8, 28 plus 2, 30 apples minus 24 apples will be 6 apples. कर लोगे 6 into 1.414? ठीक है, कर लोगे? 8.4 आ जाएगा आंसर. बॉम्बे. Yes? अब clear है सबको? Yes, sir. नेक्स्ट यस नाजरा 42 सर आपने 1.414 से उसको मल्टीप्लाई क्यों किया मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाइड है ना और रूट 2 की वैल्यू दी हुई है ना आपको यहां पे व्हाट डू यू मीन बाय 6 रूट ओके सर व्हाट डू मीन बाय 3 रूट 5 मल्टीप्लाई विद 5 ओके सर नेक्स्ट 3 रूट 2 अपॉन 2 रूट ऑफ 28 2 root of 21 upon root of 19 तो मैं बोलता हूँ reciprocal से multiply कर सकते हैं yes yes sir 3 root 2 upon 2 into root 28 में से 4 में से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 root 7 3 root 12
थ्री रूट ट्वेल्व दिया है, वेरी गुड। तो थ्री रूट ट्वेल्व में से एक फोर भी बाहर आ जाएगा तो सिक्स रूट टू हो जाएगा ये। और रूट 98 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेवन रूट टू लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ, टू रूट ऑफ 21। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है सबको? यस सर। अब देखो, यस सर, अब इसमें समझने वाली चीज क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, देखो समझो बहुत अच्छे से। सर, यू रिटन टू इनटू टू रूट सेवन, सो इट्स फोर रूट सेवन। नो, फोर का रूट के बाहर अगर आएगा तो टू आएगा ना बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर फोर है लेकिन स्क्वायर रूट के बाहर तो टू बन जाएगा ना वो निकलने के लिए। यस, और रूट ऑफ टू और रूट ऑफ टू मिलके कितना बनेगा, टू बनेगा। कोई डाउट है इसमें? तो न्यूमरेटर में क्या है, थ्री इंटू सेवन है, डिनोमिनेटर में क्या है, रूट ऑफ सेवन है, टू है और रूट ऑफ थ्री और एक रूट ऑफ सेवन है, सही है। नाउ यू शुड अप्रिशिएट रूट ऑफ सेवन, रूट ऑफ सेवन सेवन के साथ कटेगा, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा थ्री बाय टू रूट ऑफ थ्री, है ना। अब एक चीज आपको पावर एंड एक्सपोनेंट में पता है, ये पावर कितनी है हाफ, ये कितनी है वन, तो ऊपर क्या हो जाएगी, हाफ पावर हो जाएगी, हो गया रूट ऑफ थ्री बाई टू। ये क्लियर है कि नहीं है? समझ आ रहा है? नहीं पता चल रहा है क्या सर? मुझे आपने जो आपने करा ना सिक्स रूट पे टू टू कट करा, वो सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। मैं इधर से बताता हूँ, देखो फिर से मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग इट अगेन। पहले तो थ्री रूट ट्वेल्व को क्या लिख सकते हैं बताओ, थ्री रूट ऑफ ट्वेल्व को क्या लिख सकते हैं, सिक्स रूट टू, टू रूट थ्री लिख सकते हैं। यस, रूट 98 को क्या लिख सकते हो, रूट 98 को क्या लिख सकते हो, देखो 7 और 4 में से 4 बार आ जाएगा एक, तो 4 बार आएगा 2 के साथ तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 रूट 7, ये सही है। कुछ भी बाहर नहीं आ रहा जो कि पैर में ही प्रेजेंट नहीं है तो ठीक है। अब बताओ रूट थ्री से कट गया, अब और क्या हुआ बताओ, रूट ऑफ सेवन सेवन के साथ कट गया ठीक है ना, तो नीचे भी कट कर सकते हैं हम ऐसे। नहीं, कैसे है ना, रूट सेवन इंटू सेवन तो क्या होगा, सेवन की पावर हाफ प्लस हाफ होगा ना, सेवन की पावर वन बनेगा। यस यस, अब ये मैं टू कर रहा हूँ एक टू के साथ, ऊपर क्या बचा थ्री रूट ऑफ टू, नीचे टू और एक टू है तो नीचे क्या बना है फोर। इज इट क्लियर? फोर्टी थ्री में क्या है 0.81 सॉरी 0.081 एक सेकेंड, क्वेश्चन लिखा है 0.081 0.484 0.0064 6.25। अब मैं क्या करता हूँ, डेसिमल्स को हटाता हूँ और नंबर्स दिखे ऐसे अच्छा करता हूँ। अगर तीन डेसिमल हटा दिए तो 81 हो जाएगा और 484 हो जाएगा, है ना। कितने डेसिमल हटाए, टोटल 6 हटाए, तो 60 इसको हटाने हैं तो 64 इंटू 625 हो जाएगा। ये क्लियर है आपको, पता चला?
समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir, this understood. अब 81 बार आएगा, 484 आएगा 22, 64 आएगा 8, 625 आएगा 25. कॉमन कट कर दो, 99 अपॉन 100 आ जाएगा, 0.99. इज इट क्लियर? यस. 43 हो गया, 47, 48. Yes. 47 में क्या लिखा है देखो. So now I will try to do by my own. So 44 also. 44 also. 44 भी देख लो एक बार, 44 भी doubt है. 44 में क्या लिखा है? Under root में 0.204 into 42. और यहाँ क्या लिखा है? 0.07 into 304. है ना? अब क्या हो जाएगा बताओ? ये बन जाएगा अंडर रूट डेसिमल पॉइंट 0.4 इनटू 42 7 इनटू 304 और एक जीरो भी लगेगा. बताओ क्यों? इसके दो डेसिमल है और इसके पास तीन है. यस सर. अगर इसकी शिफ्ट करें, इसके भी तीन शिफ्ट करने पड़ेंगे तो 70 आ जाएगा ना. यस. कॉमन फैक्टर कट डाउन कर लोगे आप लोग? यस सर. मैंने नहीं उठा था कुछ कॉमन कट नहीं हो रहा है क्या? यस सर. 7 7 6 7 6 7 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
आवाज अभी आ रही है? यस सर। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 204 लिखा है यहाँ पे आपके पास, लिखा है 204 इंटू 6 बाई 10 इंटू 304। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे आप, 152 लिखा है, देखो करके देखते हैं, 152 304 2 152 276 238 2 आ जाएगा 19। यस मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है नीति, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है क्या? गिनती बन रहा है देख लेते हैं, 204 के फैक्टर्स एक बार निकाल के देख लेते हैं, 204 का फैक्टराइजेशन। थोड़ा सा प्रॉब्लम में है कहीं क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है क्योंकि 19 भी एक प्राइम फैक्टर है और 17 भी है, दोनों कट नहीं रहे, कटने चाहिए, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम है, चेक द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट 47 में क्या लिखा है? 46 also is it? देखो 46 भी है भैया, एक बार देखिए आप, 46 में क्या लिखा है? Under root of 95 into 85, देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना, ऊपर एक डेसिमल नीचे तीन डेसिमल, टोटल आपने कितने डेसिमल शिफ्ट किए? चार डेसिमल शिफ्ट किए, कितने? चार, और यहाँ पे हो जाएगा 17, तो इसके चार डेसिमल शिफ्ट हो गए और एक 19, तो यहाँ पे 100 करना पड़ेगा। ये सबको समझ आ रहा है? Yes. 19 वन्जा, 19 फाइजा, 17 वन्जा, 17 फाइजा, अंडर रूट में 5 इनटू 100, 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, 100 में से एक 10, तो आंसर 500, सही है ना, इसी आ जाएगा, टू के अंदर सब कर रहे हैं। कहाँ से पता नहीं चला नाजरा, बताओ? 95 जो आपने सब लिखा ना वहाँ से, तो आपने क्या किया है? 9.5 को क्या लिखा? 95/10 लिखा, सही है? Next. Okay, sir, I'm not having. I thought that you are explaining 47 next one. No, no, no. 47 में क्या लिखा देखो, अंडर रूट ऑफ 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर
प्लस 0.0 अच्छा 65 का स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट नीचे में क्या लिखा है, 0.003 का स्क्वायर, अच्छा। सर ऑल द स्क्वायर्स विल बी कट विद द रूट, बट ऊपर न्यूमरेटर में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये 0.64 होना चाहिए, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो आप, ठीक है ना। 0.0064 का स्क्वायर, तो ये भी 64 होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लो, ऊपर 0.064 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए तीन और चार डेसिमल yes, sir, now understood. यहाँ पे दो ही डेसिमल, पढ़ लोगे आप लोग। नेक्स्ट 47 होता है, 48 और 50 देख लेते हैं। 48 और 50, 48 में क्या लिखा है, 2*3 एक ऑपरेशन है जो रूट 3 करेगा, 3*4 है जो 5 कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ 5*12 क्या होगा। *12 क्या होगा, सर आपने 3*4 क्यों लिखा है स्टार की जगह पे, स्टार है, स्टार ये स्टार ही है बेटा, स्टार ही लिखा होगा, दिस इज स्टार, स्टार ऑपरेशन। एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ी सी इन्होंने गलती कर दी है, 2*3 का इधर रूट ऑफ 13 होना चाहिए, देख लो इधर स्क्वायर रूट ऑफ 13, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है बताओ, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा इसका। यस सर वेट, और स्क्वायर रूट कर रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखी हुई है, 3*4*5*2, सो 5*12² विल बी 13², सो आंसर विल बी 13, क्लियर।169 का रूट 13 होता है ना, तो हम सबका रूट कर रहे हैं, 13 का रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13, सही है ना, स्क्वायर कर रहे हैं और रूट कर रहे हैं, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसी ही तो बनती है, सम ऑफ स्क्वायर टू इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड। यस सर, यस सर, अंडरस्टूड। So I'm not able to understand. Did I use 2*+3*? What you'll get? 2*+3* क्या देगा आपको? 13². अरे 13 देगा, 13² थोड़ी देगा, 13. 13. Deal yes, sir.
ठीक है, 3 square plus 4 square क्या देगा 25, ओके ना, तो 5 square plus 4 देगा 169 देगा ना, यस सर। अब जो आंसर मिल रहे हैं वो कौन क्या है, जो गिवन आंसर है उसका स्क्वायर्स है, तो 2 square plus 3 square 13 मिला, वो क्या है रूट 13 का स्क्वायर है, 3 square plus 4 square है 25, वो किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो 5 square plus 12 square क्या मिला 169, वो किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, यस यस सर, यस सर। वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 50। The least perfect square is by 21, 36 and 66. बहुत आसान है तो 50 वाला। Yes sir. Yes sir, it's very easy. Yes sir, it's very easy. देख लेते हैं 36 क्या होगा? 6 और 6 और 66. Sir, answer is A. देखो, अब perfect square जो इनको divide करे, उसका मतलब क्या है? उसके पास सारी चीजें होनी चाहिए pair में, तो 6 तो pair में आ जाएगा, ठीक है? 11 भी pair में होना चाहिए उसके पास। और 3, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, 3 तो और